केजरीवाल का आज जन्मदिन पूरे उत्तर प्रदेश में उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया जा रहा है। मगर शिवपाल सिंह यादव को आज यह पता चल जाएगा कि आने वाले समय में कौन उनके साथ होगा और कौन नहीं। आपको बता दें कि आज शिवपाल सिंह यादव का जन्मदिन पूरे उत्तर प्रदेश में उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया जा रहा है और कार्यकर्ताओं के द्वारा चाचा शिवपाल के जन्मदिन पर गरीबों की मदद की जा रही है। जरूरतमंदों को राशन पानी जैसी मूलभूत चीजें दी जा रही हैं। मगर शिवपाल सिंह यादव की जरूरत आने वाले समय में कौन पूरा करेगा, आज यह शिवपाल सिंह यादव को पता चल जाएगा। आइए आपको हम बताते हैं क्या है शिवपाल सिंह यादव के जन्मदिन पर शिवपाल सिंह यादव के लिए रिटर्न गिफ्ट। आपको बता दें कि चाचा शिवपाल इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में थर्ड फ्रंट के मोर्चे को तैयार करने में लगे हुए हैं, मगर उनकी बात अलग अलग बड़े राजनीतिक पार्टियों से भी हो रही है। आज उनके जन्मदिन पर कई बड़े नेताओं का फोन भी आया है। इस तमाम कार्यक्रमों के बीच सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी फोन पर चर्चा हुई है। हमने सभी से कहा, हमारी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी से भी है नंबर एक, और नहीं तो राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं, तमाम हैं राष्ट्रीय पार्टियां। सभी से अपील की है, सभी दलों से अपील की है, गैर भाजपा वाद का नारा दिया है, सब लोग इकट्ठे हो भाजपा को हटाने के लिए। सभी धर्मनिरपेक्ष लोग, समान विचारधारा के लोग, हमने समाजवादी पार्टी से भी कहा है समाजवादी परिवार भी पूरा इकट्ठा हो, परिवार भी इकट्ठा हो, लेकिन इसमें कुछ अड़चन डालने वाले लोग हैं। मुझे तो लगता है वो लोग भाजपा से सीधे सीधे मिले हुए हैं। हम पर आरोप लगा रहे थे बी टीम, हम तो बी टीम साबित नहीं हुए हैं, लेकिन वो लोग ए टीम जरूर हैं जो अड़चन डाल रहे हैं। हम तो पूरे परिवार को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, समाजवादी परिवार को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, सभी धर्म निरपेक्ष शक्तियों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि आज चाचा का जन्मदिन उनके 2022 के विधानसभा की राजनीति के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि चाचा राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं और वह शुभकामनाएं देने वाले की तरीके से पहचान लेते हैं कौन उनके साथ है और कौन उनके विरोध में। फिलहाल इसी वजह से चाचा शिवपाल का जन्मदिन उनके कार्यकर्ता और नेताओं के साथ साथ उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ में तमाम और राजनीतिक दलों के लिए जो उनसे जुड़ना चाहते हैं या उनको चाचा शिवपाल का समर्थन चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि आने वाले समय में बहुत जल्द यह पता चल जाएगा कि चाचा शिवपाल ने 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए किसकी शुभकामनाएं स्वीकार की हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।